वृंदावन में मां यमुना के किनारे स्थित है एक ऐसा दिव्य स्थान जहां आज भी भारतवर्ष के आध्यात्मिक इतिहास को अपने आलोक से रोशन करने वाले महान संत देवराहा बाबा की उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। ये दिव्य स्थान है ब्रह्मऋषि देवराहा बाबा का समाधि स्थल। बाबा कभी भी कुछ खाते हुए मैंने नहीं देखा और ना वो वस्त्र पहनते थे, ना कभी ईंट पत्थर के मकान में रहते थे, ना कभी वो किसी से मिलने जाते थे। संसार को ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः का मूल मंत्र देने वाले देवराहा बाबा का विशाल जीवन किसी वृक्ष के समान परहित में ही व्यतीत हुआ। बाबा संसार के मोह से काफी दूर थे। तो बाबा दिगंबर रहते थे, जल पीते थे कभी कभी, कभी कभी दूध का सेवन करते थे और मचान पे रहते थे, झोपड़ी के अंदर रहते थे। गुरुदेव का यह पवित्र समाधि स्थल वृक्षों और हरियाली से सुसज्जित है। तो इतनी सारी चीजों के साथ सारी दुनिया उनके पास है, देश विदेश हर जगह से लोग बाबा के पास आते थे। और आश्चर्य की बात है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, दिगंबर है, उससे सारे लोग कुछ न कुछ इच्छा रखते हैं, उससे सारे लोग कुछ न कुछ मांगते हैं। अर्थात इसका मतलब है कि उनके पास अलौकिक संपत्ति है। कौन सी संपत्ति है? अलौकिक, जिसको अलौकिक बोलते हैं, दिव्य, जो सिद्धियों के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो अलौकिक संपत्ति जिसके पास होता है वो सभी की झोली को भरने में सक्षम होता है। इस प्राकृतिक स्थान का कण कण ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा की आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर है। जब तक बाबा देह रूप में उपस्थित थे, उनकी अलौकिक शक्तियां व सिद्धियां सामान्य जन के लिए हर समय चर्चा का विषय बनी रहती थी। बाबा का जो अनुभव है वो बहुत, उसको कहा नहीं जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता है। देवराहा बाबा को आज 33 साल हो चुके हैं। भीम एकादशी को आज 33 से 34 साल शुरू हो गए हैं। बाबा के जो किस्से हैं या चमत्कार हैं, उनकी कृपा है या उनकी अनुभूति है, वो व्यक्तियों के उसमें है। वे हमेशा कहते ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय, इस मंत्र का सभी को मंत्र देते थे। ओम राम नारायण राम, ये ओम राम नारायण राम इस मंत्र को भी देते थे। और महाराज जी तो एक अपने आप में ईश्वर स्वरूप थे। बाबा के बारे में क्या बताए, सभी भक्त लोग उनको महसूस करते हैं, आज भी बाबा है, उनकी कृपा सभी पे है। मगर परहित का संकल्प लिए गुरुदेव अध्यात्म की इस अलौकिकता को संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए समर्पित कर चुके थे। यही प्रभाव है कि आज भी इस समाधि स्थल पर गुरुदेव के दर्शन करने के लिए भक्तों एवं श्रद्धालुओं का दिन रात तांता लगा रहता है। बाबा की समाधि है, ये भक्तों को स्वतः बुलाते हैं बाबा। वृंदावन शहर से दूर एकांत में, समझ रहे हैं ना, और यहाँ नित्य हजारों की संख्या में, कभी कभी इतने होते हैं कि फुर्सत नहीं रहती पूरा दिन, 200-500 नॉर्मली लोग डेली आते हैं। तो वो आते हैं, बाबा उनको बुलाते हैं और उन पर कृपा करते हैं, उनको लाभ हो रहा है, बाबा की अनुभूति हो रही है, अनेक लोगों को बाबा के यहाँ आने से
उनकी मनोकामना, किसी को संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति है, किसी को व्यापार नहीं है, जो किसी भी प्रकार से दुखी जीव हैं उनके दुख को बाबा दूर कर रहे हैं और उनको सभी को सुख का अनुभूति दे रहे हैं। क्योंकि संत, सिद्ध, वृक्ष, नदी और धरती ये हमेशा ही सबको देती ही देती हैं, कभी किसी से कुछ लेते नहीं हैं। ऐसे ही बाबा अदेय हैं, वो देने वाले हैं। वो शरीर में हैं, शरीर में थे तो भी देते थे, आज शरीर में नहीं हैं उससे भी बढ़ चढ़ के दे रहे हैं। एक जगह नहीं, हजारों जगह दे रहे हैं सभी भक्तों। इस दिव्य समाधि स्थल पर गुरुदेव की प्रतिमा लकड़ी के मचान पर विराजमान है, जिसे देखकर लगता है माँ यमुना के किनारे उच्च विशाल जीवन व्यतीत करने वाले ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा साक्षात रूप में भक्तों के कष्ट हरने और उन पर कृपा रूपी प्रेम बरसाने के लिए आज भी उपस्थित हैं।